हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने नींबू के प्लांट के बारे में बात करूंगी कि जिसको जो है क्या करना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हों और हमारा पेड़ जो है प्लांट वो नींबू से भर जाए। वैसे हम टेरेस गार्डनर ज़्यादातर मोस्टली टेरेस पर फूल और कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट प्लांट ग्रो करते हैं, जिनमें कि सबसे पहला है ये नींबू का प्लांट। वैसे तो हम लोग, ये देखिए मेरा कैप्सिकम कितना सुंदर है। देखिए कैप्सिकम कितनी बड़ी साइज का लगा हुआ है। दो प्लांट मैंने, एक बड़ा गमला था तो इसी में लगा दिया है। देखिए तो हाँ, अब ये रात रानी है, अभी मैंने रिसेंटली लगाया है क्योंकि मेरी रात रानी सूख गई थी। तो हाँ फ्रेंड, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये मेरा नींबू का प्लांट है जो आप देख रहे हैं। देखिए फूलों से बिल्कुल लदा हुआ है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स, अरे फ्रूट्स भी बन रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब इस स्टेज में इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी फर्टिलाइज़र डालें कि मेरे और जो फ्लावर नए आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। तो फ्रेंड, ये प्लांट मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है। आप जब भी नर्सरी जाएं तो पहला प्रश्न ज़रूर करें कि ये प्लांट ग्राफ्टेड है, लेयरिंग द्वारा तैयार किया गया है या सीड से। सीड वाला प्लांट जो होता है वो जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर। जैसे मेरा ये प्लांट है, इसको मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है और पॉट भी इसको मैंने, इतना बड़ा टब है और इसको मैंने दे रखा है, लेकिन इसमें अभी एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो सीड वाले प्लांट से आप बचे अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। ये तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने किया था। आप टेरेस पर लगा रहे हैं तो ग्राफ्टेड या लेयरिंग द्वारा तैयार किया हुआ प्लांट चूज़ करें, क्योंकि ये जो है ये बहुत जल्दी एक साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ दो साल में फ्रूटिंग करने लगता। कभी कभी तो आप लेने जाइए तो पहले से ही उसमें दो चार फ्रूट्स लगे होते हैं, लेकिन वो हमारे किसी उपयोग के नहीं होते हैं, उनको लाके तोड़ के तभी लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें मैंने अभी 15 दिन पहले इसकी करीब 5-6 इंच मिट्टी की खुदाई करके और उसमें मैंने गोबर की खाद और पत्तियों की खाद और नीम की खली और एप्सम साल्ट मैंने भर दिया था मिला के और मिट्टी से ढक दिया था। ये मेरा टब उसमें ड्रम में लगा हुआ है, आधे कटे ड्रम में, लेकिन देख रहे हैं ये बहुत एकदम से डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसमें इतनी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है कि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं इसको बरसात तक इसका पॉट चेंज करूँगी। सबसे पहली चीज़ कि इसके पॉट को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी ना जाके गोलाई में फैलती हैं, तो इसलिए इसको जो है पॉट की, बहुत बड़े पॉट की जरूरत। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने जो है, ये मेरी मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र है। इसमें देखिए ये, और इसमें मैंने कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद मैंने जो है भिगो के रखा है। इसको भिगोए मुझे 2 दिन हो गया है और इस फर्टिलाइज़र को भिगोए मुझे 5वां दिन आज है। तो ये लगभग अब तैयार हो चुकी है। जब बहुत ठंडी होती है तो 7-10 दिन में, लेकिन अब मौसम काफ़ी बदल चुका है, स्प्रिंग सीजन है, तो ये 5 दिन में अब हमारे हिसाब से तैयार हो गई है। अब यही दोनों फर्टिलाइज़र मैं और एक मुट्ठी मैं ये राख ले आई हूँ।
तो जैसा कि पता है ये जो है कंपोस्ट में काऊ डंग में वो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सारे तत्व मौजूद होते हैं, उसी तरह हमारी इसमें मस्टर्ड केक में भी वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे फल फूल सब्जियों के लिए बहुत ही लाभकारी और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। और ये जो राख होती है ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है और इससे फंगस वगैरह नहीं लगते, ये फंगिसाइड भी है, फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड भी है और इसको डालने से मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। नींबू किसी खट्टे फल के प्लांट के लिए अल्कलाइन मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैं इसका जो है ये मैंने 4 लीटर पानी ले रखा है और इसमें मैं 100 ग्राम करीब ये मस्टर्ड केक का लिक्विड मिलाऊंगी और 1 लीटर करीब इसको मिलाऊंगी और अपने इस नींबू के प्लांट में मैं दूंगी। देखिए फ्रेंड मैंने अपना दोनों फर्टिलाइजर इसमें मिला लिया है तो इस तरह से मेरा घोल तैयार हो गया है। लिक्विड फर्टिलाइजर देखिए तैयार हो गई है, देखिए इस तरह से। अब मैं ये जो राख लाई हूँ इसको भी मैं इसमें घोल कर ही डालूँगी क्योंकि इस समय लिक्विड में डाल रही हूँ तो इसको मैं लिक्विड फॉर्म में ही डालूँगी। इसके पहले जब मैंने उसमें सब फर्टिलाइजर ऐड किया था ड्राई तो राख भी एक मुट्ठी उपयोग किया था। तो फ्रेंड अब मैंने इसके किनारे किनारे ये टूटा है तो पानी बह जाता है तो पानी रुकने के लिए मैंने बना रखा है कि इसमें पानी रुके, पानी बहे ना, मेरी फर्टिलाइजर बहे ना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना रखा है। तो इसमें मैं इस अपने इस जग से 2 जग डालूंगी इसमें। अब ये इसकी खुदाई हो चुकी है 5-6 इंच नीचे तक तो मिट्टी बहुत भुरभुरी, वैसे भी इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है आपको दिख रही होगी। तो ये इस फर्टिलाइजर से हमारे जो नींबू लगे हैं ये सब कभी कभी होता है कि नींबू छोटे छोटे गिरते रहते हैं, वो पेड़ में रुकते नहीं। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर की न्यूट्रिएंट से हमारे जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये सारे फ्रूट बनेंगे और मेरा ये छोटा सा प्लांट ये लगभग 2 साल का है ये फलों से लग जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने नींबू की केयर करेंगे तो पत्तियों से ज़्यादा फल पाएंगे और आप उसका ऑर्गेनिक नींबू का लाभ उठा सकेंगे। फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।